एवरीबडी आई होप सो भी आप सब होंगे एकदम मस्त एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। सो गाइस आज की वीडियो स्पेशली उनके पर लिए होने वाली है DJI ऑनर्स के लिए, जिनके पास DJI के ड्रोन है स्पेशली फैंटम या फिर मैविक सीरीज। तो काफ़ी लोगों ने देखा है दिक्कत होती है अकाउंट ID बनाने में मोबाइल में, जो कि DJI ऐप जो आता है उसमें अकाउंट ID में दिक्कत होती है उनको। तो आज हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे अकाउंट ID अपनी बनाएं, अकाउंट अपना बनाएं DJI Go 4 एप्लीकेशन पे, जो कि ड्रोन फ्लाई करने के काम आती है, मतलब काम के नेसेसरी ही है अगर ड्रोन फ्लाई करना है आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे, बस सीधे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए दिखाता हूँ आपको कैसे क्या प्रोसीजर होगा पूरा, मतलब एक प्रॉपर्ली वे से कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स, ये कुछ ऐप है, ये वाला ऐप अगर आपके पास है, मतलब आपके पास अगर फैंटम या फिर मैविक सीरीज है तो आप इसी से अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस पे आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू किस तरीके से मतलब अकाउंट आईडी अपनी बना सकते हैं ये जानेंगे आज की वीडियो में। तो लेट्स गो, चीज़ है ना, मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, 3-2-1 ओके। सो फाइनली गाइस सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख पा रहे होंगे, DJI Go 4 एप्लीकेशन पे गया मैं, ठीक है। तो DJI Go 4 एप्लीकेशन पे यहाँ पे गया मैं, स्टार्ट होने देते हैं एप्लीकेशन को, पूरा प्रॉपर वे से जानेंगे और दोनों लोगों के लिए जानेंगे, वो लोग जो लोग पहली बार इस ड्रोन लिया है या फिर पहली बार इस एप्लीकेशन में या फिर नई ईमेल आईडी से रजिस्टर करना चाहते हैं वो लोग कैसे करें, और जो लोग ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं अपनी एक ईमेल आईडी से या फिर फ़ोन वगैरह रिसेट किया था तो दोबारा लॉगिन मार रहे हैं ये एप्लीकेशन नहीं माने, तो उनके लिए भी दोनों प्रोसीजर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, जब डाउनलोड प्रोसेस इसका इससे पहले जो होता है वो कंप्लीट करने के बाद साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिस पे, वो है यहाँ पे उन लोगों के लिए, पहले बता रहा हूँ जो लोग अपनी नई ईमेल आईडी से या फिर मतलब लॉगिन करेंगे या फिर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप का ऑप्शन था यहाँ पे क्लिक किया, एंड उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा होगा इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस टू साइन अप। यहाँ पे अपनी एक ऐसी आईडी डालनी जिससे कि आपने अभी तक लॉगिन ना किया हो, गर्मी भाई बहुत हो रही है, तो ईमेल ऐसी डालनी है जिस पर लॉगिन ना किया हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ अपनी, फिलहाल इससे मैं लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इंटर वेरिफिकेशन कोड, इसमें दिक्कत करते हैं काफ़ी लोग, मैंने देखा है भूल जाते हैं। तो इंटर वेरिफिकेशन कोड में क्या लिखना है आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, ये आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ यही लिखना है। और अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 1VKR, तो ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो हमें कैपिटल में ही टाइप करना है, और 1VKR, तो ये मैंने कर दिया। तो ईमेल आईडी होगी एंड वेरिफिकेशन कोड भी होगा। तो अब साइन अप के ऑप्शन पे आगे क्लिक किया, अब यहाँ पे सेट न्यू पासवर्ड लिखना है, 8-20 कैरेक्टर्स के होने चाहिए, ठीक है ना। तो इंटर पासवर्ड में अब जो है गाइज, एक अपना मनपसंद क्या मतलब ऐसा पासवर्ड बना रहे हैं जो कि आपको याद रहे। तो जैसा कि मैं सपोज कीजिए कृष्णन लिख रहा हूँ, कृष्णन 123, ठीक है ना, सेम करेक्टर मतलब नीचे भी होना चाहिए, ऊपर भी कंफर्म करिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बाय टैपिंग साइन अप, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी लोग भूलते हैं, एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है, टैप कर देना है, टिक बन के आएगा, हो जाए टैप भाई, ओ शिट, यहाँ पे एक आपको टैप कर देना है, ओके सो हो चुका है टैप, यहाँ पे फिर साइन अप हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये इस ईमेल आईडी से मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ तो नहीं हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस पर ऑलरेडी अकाउंट था और फ़ोन रिसेट किया था या फिर एप्लीकेशन दोबारा डिलीट हो गई थी और डाउनलोड किया है, तो अब उन लोगों की बारी आती है, ठीक है ना। एंड इनपुट है फ़ोन, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड इनपुट है फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। फ़ोन नंबर से मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप कभी भी लॉगिन ना करें, क्योंकि फ़ोन नंबर पर अगर सिम वगैरह आपको लॉस्ट होता है तो OTP वगैरह में काफ़ी झमेला हो सकता है। तो ईमेल एड्रेस से अब हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे ईमेल एड्रेस मैं डाल रहा हूँ वही वाली अपनी, एंड इंटर पासवर्ड जो आपने पहले ही ऑलरेडी लॉगिन करते टाइम पासवर्ड डाला था, एंड तो वो पासवर्ड डालना है। एंड सपोज कीजिए अगर आप वो पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसके द्वारा आपकी ईमेल आईडी पे उसकी OTP आएगी और फिर वहाँ से आप कर सकते हो लॉगिन। तो मुझे फिलहाल भी अपना पासवर्ड याद है तो मैं लॉगिन करता हूँ, ओके तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, एंड फिर करते हैं हम साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक, ये किया मैंने क्लिक, सिर्फ दो मिनट का काम है अगर देखा जाए, सिर्फ 2 मिनट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली मैं यहाँ पे हो चुका हूँ लॉगिन इस ऐप में। तो अब आप अपना फैंटम, स्पार्क, कोई भी ड्रोन हो आप इजीली फ्लाई कर सकते हो, एंड इस एप्लीकेशन में थोड़े नहीं काफ़ी फीचर हैं। अगर आपका ड्रोन कभी लॉस्ट हो जाता है तो आप इस एप्लीकेशन से पता कर सकते हो आपका ड्रोन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, और आपने कहाँ कहाँ ड्रोन उड़ाया, मंथ में सारी लोकेशन वगैरह दिखाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे देन जरूरी जल्दी बनाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप सो कि आप समझे होंगे कैसे क्या लॉगिन करेंगे DJI
ड्रोन्स की एप्लीकेशन में, DJI Go 4। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले पिछले वीडियो में, तब तक के लिए हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना एंड विजिट टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट।